लड़की खेलते खेलते अंदर आती है। लाडली मुझे भूख लगी है। बहू रानी, मेरी लाडली के लिए नाश्ता और मेरे लिए चाय ले आ। जी माँ जी। अरे तुम्हें इतने दिनों से खांसी है, तुम्हें दवाई ले लेनी चाहिए। नहीं नहीं जी, कुछ नहीं है, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, आज शाम को हम डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। ठीक है। राधा और श्याम डॉक्टर एमडी पटेल की अस्पताल जाने निकलते हैं। अरे भाभी जी, कहाँ जा रहे हो? अरे जिधर भी जा रहे हैं भाई, तेरे को क्या मतलब? बताइए क्या तकलीफ है आपको? जी डॉक्टर साहब, वो मुझे कुछ दिनों से खांसी हो रही है और शाम को बुखार भी आ जाता है। कितने दिनों से खांसी आ रही है आपको? सर, दो हफ्तों से आ रही है खांसी। मैं कह के थक गया हूं, इसको भी डॉक्टर के पास चलते हैं, पर ये सुनती कहां है। नहीं नहीं, वो डॉक्टर साहब मैंने दवाई ली थी बीच में, पर कुछ असर नहीं हुआ। बलगम आता है खांसी के साथ? कमजोरी लग रही है या वजन कम हो गया? हाँ सर, लग तो रहा है। ठीक है, हम आपके बलगम की जांच करवा लेते हैं। आप उधर लेबोरेटरी है, वहाँ आज अभी अपना बलगम का सैंपल दे दीजिए, और वहाँ से आपको एक ऐसी डिब्बी देंगे, उसमें कल सुबह दूसरा बलगम का सैंपल यहाँ पे देके जाइएगा। ठीक है। घर पे फोन आता है और राधा की सासू माँ फोन उठाती है। नमस्ते जी, आप राधा बहन के घर से बोल रही हैं? हाँ जी, आप कौन? मैं डॉक्टर एमडी पटेल बात कर रहा हूँ। कल राधा बहन ने जो जांच करवाई थी उसका रिपोर्ट आ चुका है, तो उन्हें बोलेगा कि मुझे जल्द से जल्द मिलने आए। अभी खबर लेती हूँ इसकी। समझती क्या है अपने आप को? बहू रानी? जी माँ जी। कल कहाँ गई थी? जी, वो कल अस्पताल गए थे। तेरे वो डॉक्टर का फोन आया था, तेरा कोई रिपोर्ट आया है? अरे हस्ते हस्ते, क्या हो गया चाची जी? कब से चल रहा है ये सब? अरे चाची जी, बताया नहीं आपको? कल ये और शाम दोनों हॉस्पिटल गए थे। पता नहीं अब कौन सी बीमारी लेके आ गई है, खुद भी मरेगी, मेरे बच्चों को भी मारेगी। हाय राम, कैसी किस्मत है मेरे श्याम की। निकल जा मेरे घर से, निकल जा। नहीं नहीं, मेरे मम्मी को मत निकालो। तू यहाँ, तू उसके पास मत नहीं, जा। नहीं, मुझे मेरे मम्मी के पास ही रहना। तू भी बीमार हो जाएगी, तू इधर आ। अरे भाभी जी, रोइए मत, सब सही हो जाएगा। राधा और श्याम रिपोर्ट लेकर घर वापस आते हैं। क्या आया है रिपोर्ट में? बताना क्या आया है। टीबी है यार। कैसी बीवी है तेरी, टीबी लेके आ गई। निकल जा तू, इसको इसके मायके छोड़ा। अरे माँ, आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। श्याम घबराहट में आकर अपनी बहन जो आशा वर्कर है उसको फोन करता है। हेलो बेना, तुम जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारी भाभी को टीबी है यार। ठीक है, मैं आती हूँ। भाभी अब रोइए मत, आपको कुछ नहीं होगा, अब डरिए मत। पता नहीं क्या होगा इसका। अम्मा, आपके चहेते बच्चन साहब को भी टीबी था, पर उन्होंने तो किसी महंगे अस्पताल से महंगा इलाज करवाया होगा ना। नहीं अम्मा, सरकार पूरा टीबी का इलाज मुफ्त में करती है, जांच और दवाई दोनों मुफ्त में देती है। मेरी भाभी है, इनको टीबी है। पर मैडम मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? अरे राधा बहन, आप डरिए मत, टीबी का पूरा इलाज मुमकिन है। टीबी का इलाज 6 महीने चलता है और बीच बीच में आपको जांच भी करवानी है, और अगर आप ये दवाइयाँ नियमित नहीं लेती तो वो और खतरनाक रूप ले लेता है, जिसे हम MDR टीबी कहते हैं, और उसका इलाज और भी लंबा चलता है। अब मैं आपका नाम निक्षय बेस्ड वेब सर्वेलेंस पर डाल देती हूँ, और अब आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे अगर आपको खांसी आए तो आपको मुंह रुमाल से ढक लेना है, और अगर आप हाथ का इस्तेमाल करें तो आपको तुरंत हाथ साबुन से धो लेना है, और अगर आपको बलगम आए तो वो आप एक ढक्कन वाले डब्बे में थूक सकती है, और खाने पीने में भी आपको पौष्टिक आहार ही लेना है, और अगर भूख ना लगे फिर भी आपको दिन में 5-6 बार थोड़ा थोड़ा खाते रहना है। और भाभी, सरकार आपको पोषण सहाय योजना अंतर्गत 500 रुपए की सहाय भी देती है, और जो ये टैबलेट का पैकेट है इसमें जब भी आप टैबलेट लेगी तब एक नंबर आएगा, उस नंबर पे आपको कॉल करना है। ये नंबर बिल्कुल टोल फ्री है, जब भी आप कॉल करेगी उन्हें पता चल जाएगा कि आपने दवाई ले ली है, और जब भी आप भूल जाएगी तो वो लोग आपको SMS द्वारा जान करेंगे। इसे हम 99 डॉट्स कहते हैं। भाभी, गुजरात सरकार ने एक नई पहल शुरू की है जिसका नाम MERM है, MERM, मेडिकेशन इवेंट रिमाइंडर मॉनिटर, जिसमें एक बॉक्स आएगा और उसमें दवाई होगी। ये बॉक्स में एक अलार्म है,
ये अलार्म जब भी आप दवाई लेगी उस समय पे मैं सेट कर दूंगी। आप कौन से समय पे दवाई लेगी? सुबह 9 बजे। ठीक है, तो मैं इसमें 9 बजे का अलार्म सेट कर दूंगी और फिर 9 बजे जब होके तब आपका दवाई लेने का समय हो जाएगा और तब ये अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। जब भी आप बॉक्स खोलेगी तो अलार्म बजना बंद हो जाएगा और फिर आप दवाई ले सकती है। और जब भी आप दवाई लेगी तब हमें पता चल जाएगा कि आपने दवाई ले ली है, वो हमें एक SMS मिल जाएगा। 6 महीने बाद। आइए आइए राधा बहन। नमस्ते। आपके लिए खुशी की बात है, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, अब आप बिल्कुल स्वस्थ हो गई है। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी पुरानी सोच की वजह से हमारा घर टूट सकता था। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए, इसमें आपकी गलती नहीं है, ये हमारा पूरे समाज की सोच है जिसे अब हमें बदलना है। जब मुझे पता चला कि मुझे TB है तब मैं बहुत डर गई थी। वो 6 महीने मेरे लिए सबसे मुश्किल थे क्योंकि उस वक्त मेरी लड़ाई शारीरिक और मानसिक भी थी, पर हमारी सरकार की 99 डॉट्स और मॉम जैसी अच्छी सुविधाओं की वजह से मैं अपना एक भी डोज नहीं भूली और पोषण सहाय योजना की वजह से मुझे पौष्टिक खाना भी मिल पाया। इसलिए अब मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ठीक हो गई हूँ और मुझे अपनी पुरानी जिंदगी अपने परिवार के साथ वापस मिल गई है। वन कैटेगरी, टू सैंपल एंड 2 वीक्स ऑफ सिम्टम्स, 3 trillion रुपीज लॉस फॉर ट्रीटमेंट, 4 drugs, 500 rupees incentive per month, 6 months of treatment, 7 symptoms, $8,000 cost for MDR-TB treatment per person, 99 dots, 10 million cases globally per year, 11 weight bands for TB, 12 months of MDR-TB treatment. सबका एक ही नारा, टीबी मुक्त देश हमारा।